साहब अगर नाहल किया जाता है तो क्या स्ट्रेटजी होगी पार्टी की? ये मुझे नाहल करे, ये मुझे जेल में डाले, ये जो मर्जी कर रहे हैं, तरीके इंसाफ रोक ही नहीं सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खान साहब की पेशन गोई एक मरतबा फिर सच साबित हो चुकी है। ये तकरीबन दूसरा या तीसरा इलेक्शन है कि खान साहब जेल में हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। ये वही सीट थी जहां से खालिद खुर्शीद साहब को हटा दिया गया था, उनको नाअहल कर दिया गया, फिर उनकी जगह एक कठपुतली शख्स को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान लगाया गया। मगर खालिद खुर्शीद साहब ने आखिरी खबर आने तक तकरीबन ये सीट दोबारा जीत ली है, और ये पाकिस्तानी अवाम का एक मरतबा फिर उन लोगों के लिए जवाब है जो खान साहब को माइनस करना चाहते हैं, जो खान साहब के ऊपर काटा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अवाम नहीं मान रही है और अवाम ने एक मरतबा फिर खान साहब को प्लस कर दिया है। सारे फुटेजेस आपके सामने हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जश्न का समा है, हर तरफ IIPTI के नारे हैं, और ये इन ताकतवर लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है जो इस मुल्क में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं, जो कि किसी भी लिहाज से इस मुल्क और इस कौम के मफाद में नहीं है। क्योंकि जब आवाम और इदारों का टकराव होता है तो उस मुल्क के लिए ख़तरे की घंटी बज जाती है। आपको आवाम का फ़ैसला मानना होगा। आखिरकार आप कब तक आवाम के ख़िलाफ़ जाएंगे? आवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान साहब को अपना लीडर मानती है, तो आपको भी मानना होगा कि खान साहब ही इस कौम के हीरो हैं, इस कौम के लीडर हैं और इस कौम की उम्मीदों का महवर है। इस हवाले से आप भी अपनी राय दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।